हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय देम। 7 जुलाई 1981 वो तारीख होती है जब झारखंड के एक छोटे से शहर रांची में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन उस वक्त शायद किसी को भी ये खबर नहीं थी कि अगले 2 से 3 से 4 दशकों में ये लड़का ना सिर्फ एक लड़का ये एक खिलाड़ी बनने वाला है, भारतीय टीम का वो खिलाड़ी बनने वाला है और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और जज्बात बनने वाला है। नाम होता है महेंद्र सिंह धोनी और कुछ वैसा होता है 20 सालों के बाद लगभग जब फाइनली महेंद्र सिंह धोनी को चांस मिलता है 2004 में वो डेब्यू करते हैं टीम इंडिया के लिए। लेकिन कहानी वहां पर बहुत खराब रहती है। शुरुआत के 4 मैचेस पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि चांस मिलने वाला है आगे या नहीं मिलने वाला है। लेकिन सौरभ गांगुली उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें खिलाते हैं नंबर 3 पर। पाकिस्तान का वो टूर रहता है, पाकिस्तान इंडिया रखा होता है और वहां पर 3 नंबर पर प्रमोट करते हैं सौरभ गांगुली। एमएस धोनी जाते हैं और एमएस धोनी उस मैच में छाते हैं, वहां पर उदय होता है एमएस धोनी का। तो वहां पर हम धोनी के 5 बिगेस्ट इनिंग्स की बात करने वाले हैं, जहां पर सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस तरह से धोनी का करियर डिफाइन हुआ, किस तरह से वर्ल्ड कप जिताया, क्या कुछ किया धोनी ने, वो 5 बड़ी इनिंग्स पर नजर डालने वाले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली उन्होंने। तो सबसे पहले बात उसी इनिंग्स से करेंगे जिसकी हम बात कर रहे थे। इस करियर ने धोनी के क्रिकेट को एक आयाम दिया था, धोनी के क्रिकेट में एक सुधार लाने का प्रयास किया था। तो ये इनिंग थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान इंडिया आता है, धोनी की पहले उस मैच में जगह पक्की है या नहीं पक्की है ये भी उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन उस मैच में सौरभ गांगुली उन्हें 3 नंबर खिलाते हैं। धोनी आते हैं, धोनी 145 रन बनाते हैं उस मैच में, टीम इंडिया को 356 तक पहुंचाते हैं और क्या खूब रन बनाते हैं, क्या खूब बल्लेबाजी करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो दूसरा 2005 का टूर रहता है वो रहता है श्रीलंका का इंडिया का। श्रीलंका इंडिया आता है 2005 में और वहां पर धोनी आते हैं और धोनी क्या खूब छाते हैं। वो इनिंग रहती है जो एक बड़ा आयाम देती है और सहवाग, सचिन, गंभीर इन जैसे दिग्गजों के बीच धोनी को वहां डिजर्व कराती है, वो प्लेस उनकी वो जगह बनाती है। धोनी वहां खेलते हैं 183 रन की पारी, श्रीलंका 277 उस मैच में बनाता है, विच इज अ गुड टोटल एट दिस टाइम एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धोनी का वो तूफान आता है नंबर 3 पर। धोनी आते हैं 183 रन की जबरदस्त पारी खेलते हैं 10 छक्कों की मदद से और क्या खूब चौके लगाते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पर रहने आए हैं, ये डिजर्व करते हैं वहां पे। और इसके बाद फिर अगली जो पारी आएगी वो आती है इनके टेस्ट क्रिकेट में 2013 का, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। वहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले 380 बना चुका होता है, ऑस्ट्रेलिया लीड ले चुका होता है, टीम इंडिया 196 पर 4 विकेट ठोकर अभी ट्रेल में थी। लेकिन वहां से धोनी आते हैं, कोहली के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप निभाते हैं, धोनी इस मैच में बनाते हैं 224 रन और जब धोनी जाते हैं ना तो टीम इंडिया वहां पर लीड ले चुकी होती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग आप कहेंगे धोनी की, चाहे वनडे क्रिकेट मिला लीजिए या टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट किस तरह से टफ होता है हम सभी को पता है, तो आप इसे वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इनिंग कह सकते हैं। एमएस धोनी के 224 रन धोनी इस मैच में बनाते हैं। इसके बाद जब बढ़ेंगे हम आगे की ओर तो नंबर 2 पे जो इनिंग आएगी वो है 134 रन। जी हाँ, धोनी 134 रन बनाते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और वो किस परिस्थितियों में आती है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन इनिंग होगी वो। टीम इंडिया 25 रन पर 3 विकेट गवाकर बहुत ज्यादा मुश्किल में होती है। वहां से युवराज सिंह और एमएस धोनी 256 रन की पार्टनरशिप करते हैं। कैन यू बिलीव इट, 25/3 से 256 रन की पार्टनरशिप और टीम इंडिया को 350 के पार ले जाते हैं उस टोटल में। टीम इंडिया 350 बना देती है इन दोनों खिलाड़ियों की मदद से, इन दोनों धोनी और युवराज ये जोड़ी दोनों शतक लगाते हैं। धोनी 134 बनाते हैं, टीम इंडिया को 350 पार कराते हैं और इस मैच में टीम इंडिया को जिताते हैं। अब अगली इनिंग जो है वो नंबर 1 इनिंग है, वो शायद आपने अब तक गेस कर लिया हो कौन सी इनिंग हो सकती है। Remember the name, MS Dhoni India lifts the World Cup after 28 years. MS Dhoni, वो 28 साल बाद जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करती है, धोनी के 91 रन आते हैं, उस छक्के के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप उठाती है। सोचिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तब मेरा मतलब महेंद्र जोश वो पैशन जाग जा रहा है। तो वो मोमेंट क्या होगा जब धोनी ने टीम इंडिया को जिताया होगा, मतलब
वो रोंगटे खड़े होने वाली जीत थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्ल्ड कप था। 28 साल के बाद टीम इंडिया कोई वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, ओडीआई वर्ल्ड कप उठाता है 28 साल बाद। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप तो उठा चुके थे 2007 में। तो ये बड़ी कहानी रहती है MS धोनी के इर्द गिर्द। हालांकि इसके बावजूद बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली है इस बीच उन्होंने, पर ये जो 5 इनिंग थी वो बेस्ट इनिंग्स थी MS धोनी के पूरे ओवरऑल करियर में। तो बताइएगा जरूर, क्या आप भी मानते हैं कि यही 5 बेस्ट इनिंग है, या आपके नजर में कोई और इनिंग है जो बेस्ट इनिंग हो सकती है MS धोनी की उनके पूरे करियर में? तो बताना हमें कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे धोनी। तो बताइएगा जरूर हमें कैसे लगी आपको ये स्टोरी, कैसे लगी ये आपको 5 बेस्ट इनिंग्स, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बताइएगा जरूर कि आपको मजा आया ये MS धोनी की 5 इनिंग्स की कहानी सुनने में या फिर नहीं।